मेरा फर्ज है एक्चुअली, मुझे पहले करना चाहिए था, अभी बैठना हो मुझे क्या जरूरत है। उसने एक्चुअली मुझे मेरी आंखें खोल दी, उसने सही कहा। नहीं नहीं, आई शुड हैव डन इट। उसका बचपना बोल रहा है भैया, दिल पर मत लीजिएगा, बिल्कुल दिल पर भैया। नहीं प्लीज, आप डिस्टर्ब नहीं हो। देखो ये दस्तूर है एक्चुअली, पापा की कहा था, लेकिन मैंने मना किया था। मेरी बात से दस्तूर है कि बाप की प्रॉपर्टी में से बेटी को पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। तभी मना किया था, लेकिन अभी तो अभी देखिए कोई ना कोई वजह होगी जो बेटे के मन में ये बात आई है, तो किसी ने कहीं तो कुछ डिस्कस किया होगा, तो उसके मन में बात आई ना। ऐसे जाने दीजिए, जो भी है अभी इसको आप चिंता मत करो। आपका ही आपके पास ही रहेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चे नहीं दिख रहे, कहाँ गए? इतने नाराज हो क्या? जवाब भी नहीं दे रहे उस भैया। प्लीज प्लीज बोलिए ना। कुछ नहीं बोलिए ना। एक्चुअली मुझे 9 साल पहले ये काम करना चाहिए था, गलती मेरी है, आपकी नहीं है। इतने दिल में क्यों ले लिया? नहीं नहीं, बात वो नहीं आ रहा है। बात वो है ही नहीं, वो है नहीं बात बिल्कुल भी। क्या है कि ये मेरी मतलब आपका बड़प्पन है और मेरा छुटपन है। नहीं नहीं, जो मैं ये सारे घर को अपना समझ के बैठ गया, उसमें असल में तो आधा तो हिस्सा आपका है। मैं आपने मेरे को बहुत बार पूछा, लेकिन मैंने मना किया ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं भैया प्लीज़ प्लीज़, वो मेरा बेटा ऐसा ही है, क्या करूँ उसका? उसको एक दिन मैं लेके आती हूँ ना आपसे माफ़ी मंगवाने के लिए। कुछ नहीं, उसको मैं देखती हूँ कैसे नहीं आता है वो। उसको कुछ मत अभी बोलना, बोलेगा भी नहीं कुछ आपको। यू आर नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग टू हिम, ओके? प्लीज़ अभी आप अपने अपने दिल को छोटा मत करो। पहले आप बोल दीजिए कि ठीक है, चलो okay, ठीक सब है, सही मैं आपकी बात सब सही है, सब सही है। ओह ओके, अब मैं बहुत खुश हो गई। मैं बहुत खुश हो गई, आपने इतना कह दिया, सारे संसार की खुशी दे दी आपने तो मुझे भैया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
हंस दीजिए एक बार, हुई ना बात देखो।